जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों आज हम आपको सुंदर कांड की दो सिद्ध और चमत्कारी चौपाइयों के बारे में बताने जा रहे हैं। इन चौपाइयों के बारे में मान्यता है कि यदि कोई मनुष्य इन चौपाइयों को केवल सच्चे मन से सुन भी ले तो उसकी हर परेशानियां स्वयं संकट मोचन हनुमान जी हर लेते हैं और हर प्रकार की दुख और दरिद्रता दूर कर देते हैं। वैसे तो सुंदर कांड की हर एक चौपाई चमत्कारी और शक्तिशाली है, लेकिन यह दो चौपाई अपना असर तुरंत ही देती है। इसीलिए ही शास्त्रों में भी इन चौपाइयों के बारे में विशेष रूप से आपको बताया गया है। आपको बता दें, इन चमत्कारी चौपाइयों के प्रभाव से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। यह चौपाई इतनी शक्तिशाली है कि इसके प्रभाव से बड़ा संकट भी आने से पहले ही नष्ट हो जाता है, साथ ही बड़े से बड़ी परेशानी भी पल भर में दूर हो जाती है, फिर चाहे वो परेशानी किसी भी तरह की क्यों ना हो। मान्यता है जब भक्त का आत्मविश्वास कम हो जाए या जीवन में कोई काम ना बन रहा हो तो श्री सुंदर कांड की इन दो चमत्कारी चौपाइयों का रोज जाप करने से सभी काम अपने आप ही बनने लगते हैं, हर कार्य में सफलता प्राप्त होने लगती है। सुंदर कांड एकमात्र ऐसा अध्याय है जो श्री राम के भक्त हनुमान की विजय का है। सुंदर कांड के पाठ से व्यक्ति को मानसिक शक्ति प्राप्त होती है, किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए आत्मविश्वास मिलता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मंगलवार का दिन संकट मोचन हनुमान जी का होता है और इस दिन की गई हनुमान जी की पूजा भक्तों को कई गुना फल देती है, साथ ही मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों कलयुग में हनुमान जी ही केवल एक ऐसे भगवान हैं जो अपने भक्तों की थोड़ी सी पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी हर प्रकार की बाधाएं दूर कर देते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि कलयुग के समय में हनुमान जी जागृत अवस्था में रहेंगे और भक्तों का कल्याण करेंगे। जो भक्त सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करते हैं उन्हें हनुमान जी के साथ साथ भगवान श्री राम से भी बहुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं इस खास चमत्कारी शक्तिशाली चौपाइयों के बारे में। दोस्तों सबसे पहली चौपाई है, प्रबीस नगर की जे सब काजा, हृदय राखी को सलपुर राजा, गरल सुखारी पूकर ही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। इसका कहने का तात्पर्य है किसी भी काम के करने से पहले प्रभु श्री राम का स्मरण करने से सफलता प्राप्त होती है। जो भी ऐसा करता है उसके लिए विष भी अमृत हो जाता है, शत्रु मित्र बन जाता है, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है और अग्नि में शीतलता आ जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब हनुमान जी लंका में माता सीता का पता लगाने गए थे तो उनके मन में इस काम के सफलता होने को लेकर शंका थी। तब उन्होंने श्री राम का ध्यान कर लंका में प्रवेश किया और अपने काम में सफल रहे। इसीलिए यह माना जाता है कि किसी भी काम को करने से पहले या इंटरव्यू इत्यादि देने से पहले इस चौपाई को बोलने और श्री राम को याद करने से हर काम बन जाता है। चलिए अब चलते हैं दूसरी खास चौपाई की तरफ। हनुमान अंगत रन गाजे, हाक सुनत रजनी चर भाजे। इस चौपाई के अर्थों में छुपा संदेश है कि राम रावण युद्ध में हनुमान और अंगद रूपी सद्गुणी शक्तियों के भय और आक्रमण से रजनीचर यानी राक्षस रूपी बुरी शक्तियां मैदान छोड़कर भाग गई। व्यवहारिक जीवन में भी दुखों का नाश करने वाले रुद्र के अंश महावीर हनुमान के स्मरण से राक्षस रूपी भय परेशानी और चिंता और बुरे भावों का अंत होता है। यदि दोस्तों आप सुंदर कांड की इन दो चमत्कारी चौपाइयों का जाप मंगलवार के दिन करते हैं तो मात्र कुछ ही दिनों में आपको इसके शुभ परिणाम देखने को मिल जाएंगे, साथ ही आपके जो काम वर्षों से रुके हुए हैं वो भी अपने आप ही बनने लगेंगे। जय श्री राम।